अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज की इस वीडियो में हम करेंगे एक 2019 का पेपर है, सही है, मैथ्स का। इसका सेक्शन बी करेंगे और सेक्शन बी का क्वेश्चन नंबर 3। तो चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास एक क्वेश्चन है, ये है 2019 क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 1, सही है। तो ये हमारे पास ये क्वेश्चन है कि इसमें करना है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब व्हेन x प्लस y इक्वल टू माइनस 5 एंड एक्स वाई इक्वल टू 8। ये हमारे पास क्वेश्चन है, इसमें क्या करना है आपने, x क्यूब प्लस वाई क्यूब की वैल्यू फाइंड आउट करनी है जब आपके पास एक्स प्लस वाई जो है माइनस 5 के इक्वल हो और एक्स वाई की वैल्यू 8 हो। तो इसको करने के लिए आप एक फॉर्मूला यूज करेंगे, वो फॉर्मूला है हमारे पास, आपको अगर याद है तो, ए प्लस बी होल क्यूब जो है वो इक्वल होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी के, इसके इक्वल होता है, सही है। तो हम क्या करेंगे, इस वैल्यू को लेते हुए, सही है, ये एक्स प्लस वाई इक्वल टू माइनस 5 है, सही है। इसको हम क्या करेंगे, टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड्स, पे हम क्यूब लेंगे, सही है। तो यहां पे क्या हो जाएगा, ये एक्स एक्स प्लस वाई होल क्यूब इक्वल टू माइनस 5 होल क्यूब, ये हो जाएगा, सही है। अब इसके बाद क्या करना है, यहाँ पे a प्लस बी होल क्यूब का, सही है, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा। तो जब ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy x प्लस y इक्वल टू, अब इसको अप्लाई करो, इसका मतलब क्या है, माइनस 5 क्यूब का क्या मतलब है, माइनस 5 मल्टीप्लाई बाय माइनस 5 मल्टीप्लाई बाय माइनस 5, सही है। तो अब सबसे पहले हम साइन मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस माइनस प्लस फिर प्लस माइनस माइनस, तो आपका आंसर इसका किस में आएगा, माइनस में आएगा। आप उसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे 5 को, 5 जा 25, 25 जा 125, सही है। तो इसकी जगह पे हम क्या लिखेंगे, माइनस 125, ये हो गया। अब इसके बाद आपने क्या करना, आपको चाहिए किसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू चाहिए, सही है। अब इसको अलग करेंगे एक साइड पे, लेफ्ट हैंड साइड पे इसको रखेंगे, बाकी उनको राइट हैंड साइड पे शिफ्ट कर देंगे, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इक्वल टू, हम इसको भी यहाँ, इसको इस पूरे टर्म को यहाँ पे शिफ्ट कर देंगे, तो ये माइनस 125 है ऑलरेडी, ये यहाँ पे प्लस में है, उस साइड पे जाएगा तो माइनस 3xy इंटू एक्स प्लस वाई, ये हो गया। अब हमें देखो इसकी वैल्यू भी गिवन है, इस क्वेश्चन में
एक्स वाई किसके इक्वल है 8 के और x प्लस वाई किसके इक्वल है माइनस 5 के। तो हम क्या करेंगे इसमें वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इक्वल टू माइनस 125 माइनस 3। एक्स वाई की वैल्यू क्या है 8, तो एक्स वाई की जगह पे मैंने 8 सब्स्टिट्यूट किया। फिर उसके बाद x प्लस वाई किसके इक्वल है माइनस 5 के, तो यहाँ पे मैं सब्स्टिट्यूट करूंगा माइनस 5, सही है। हमें चाहिए एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब की वैल्यू इक्वल टू माइनस 125। अब साइन मल्टीप्लाई होंगे, माइनस प्लस माइनस फिर माइनस माइनस, यहाँ पे प्लस आ जाएगा। उसके बाद थ्री एट्स आर 24, 24 5s are 120, सही है। तो देखो इस तरह होगा, 3 8s are 24 multiplied by 5, सही है। तो इसको मल्टीप्लाई करो, 5 4s are 2 carry 5 2s are 120 आ गया प्लस 120, सही है, ये हो गया। अब यहां पे जो है आपने क्या करना है, ये वैल्यूज जो है अभी यहां पे आपने लिखना है कैसे, ये एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इक्वल टू क्या आया माइनस 125 प्लस 125, दोनों डिफरेंट साइन है तो सब्ट्रैक्ट होगा, और साइन किसका आएगा जो बड़ी वैल्यू होगी उसका, बड़ी वैल्यू कौन सी है 125, इसके साथ साइन क्या है माइनस, और ये दोनों डिफरेंट साइन है तो क्या होंगे सब्ट्रैक्ट होंगे। तो 125 माइनस 120 करेंगे तो कितना आएगा, कितना बचेगा 5, तो माइनस 5, तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब की वैल्यू क्या होगी माइनस 5, तो ये आंसर आ गया आपका। तो इसी तरीके से आपने सोल्व करना है इसको, सही है। ये हो गया। अब इसके बाद जो है नेक्स्ट हमारे पास पार्ट टू है क्वेश्चन नंबर 3 का, क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट टू में क्या करना है, हमें सॉल्यूशन सेट फाइंड आउट करना है और एक इक्वेशन है उसका सॉल्यूशन सेट फाइंड आउट करना है और उसके अलावा उसको वेरीफाई भी करना है। तो ये पार्ट टू है क्वेश्चन नंबर 3 का। ये हमारे पास एक इक्वेशन है, सही है, अंडर रूट 25y-6 is equal to 4 into under root y plus 3, सही है। ये हमारे पास क्वेश्चन है, इसका सॉल्यूशन सेट फाइंड आउट करना है। सॉल्यूशन सेट का मतलब y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, सही है। उसके बाद लास्ट में हम वेरीफाई करेंगे, सही है। तो इसको अभी शुरू करते हैं। सबसे पहले आपने क्या करना है, अब आपको चाहिए y की वैल्यू, तो इसके ऊपर रूट है, जब भी रूट हो तो उस रूट को खत्म करने के लिए हम क्या करते हैं स्क्वायर लेते हैं, सही है। अब क्या करेंगे इसको लेते हुए टेकिंग, इसको पहले लिखते हैं अंडर रूट 25y-6 इज इक्वल टू 4 into y plus 3, सही है। तो टेकिंग स्क्वायर
road on both side. Taking square on both side. Square लेंगे दोनों sides पे, सही है? तो ये under root bracket में लिखेंगे 25 y minus 6 whole square equal to 4 into under root y plus 3 whole square, सही है? अब आपका क्या होगा? ये और ये cancel. कैंसिल क्यों होता है आपको पता होना चाहिए. रूट जो है वो उसको खत्म करते हैं 1/2 के बराबर है. लेट सपोज यहाँ पे कोई वैल्यू है, सही है, एक ये इस तरीके 3 ये है और ऊपर स्क्वायर लगाया हमने, तो ये कैंसिल क्यों होते हैं? देखो पावर, अब इससे ये खत्म कर ले हम, रूट खत्म करें तो इसका 3 का पावर क्या होगा? 1/2 हो जाएगा, सही है? ये हो जाएगा. आप जैसे कि आपको पता है पावर है तो फिर इसके ऊपर फिर पावर है, तो पावर और पावर क्या होते हैं? मल्टीप्लाई होते हैं. 3 के ऊपर पावर 1/2, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2, ये 2 और ये 2 कैंसिल हो गया, तो बाकी बचेगा कितना? 3 बचेगा. तो इसीलिए यहाँ पे रूट, इसीलिए स्क्वायर होता है तो रूट कैंसिल हो जाता है, सही है? अब ये आएगा कितना है? 25 y minus 6 equal to, अब ये स्क्वायर जो है ये 4 के ऊपर भी अप्लाई होगा और इसके ऊपर भी अप्लाई होगा. 4 के ऊपर अप्लाई हुआ तो 16 हो जाएगा और ये कैंसिल हो जाएंगे, सही है? बाकी बचेगा क्या? y plus 3 बच गया, सही है? अब उसके बाद 25 y minus 6 इक्वल टू, ये मल्टीप्लाई होगा इसके साथ भी, इसके साथ भी, 16 दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा. 16 y जा 16 y प्लस 16 3 जा 48, सही है? अब आपने क्या करना है? आपको y की वैल्यू चाहिए तो y की टर्म्स लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट करो और जो नंबर्स हैं उसको राइट हैंड साइड पे शिफ्ट करना है. तो अभी क्या होगा? ये 25 y और ये यहाँ पे प्लस में है तो ये इसको यहाँ ले आएंगे, तो माइनस 16 y इक्वल टू यहाँ 48 यहीं पे रहेगा, ये यहाँ माइनस में है उस साइड पे जाएगा तो प्लस 6 हो गया, सही है? अब उसके बाद 25 y में से माइनस करें 16 y तो कितना रह जाएगा? 9 y इक्वल टू, ये दोनों क्या होंगे? 8 हो जाएंगे, तो ये कितना हो जाएगा? 54, ये हो गया, सही है? अब इसके बाद आपने क्या करना है? y की वैल्यू चाहिए तो y इक्वल टू 54, ये यहाँ पे इसके साथ कोएफिशिएंट में है, मल्टीप्लाई में है, तो ये नीचे इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई होके इसके नीचे डिवाइड हो जाएगा, यहाँ कुछ भी नहीं है तो 1 है, 9 1 9, तो इसके नीचे लग गया, सही है? तो y की वैल्यू क्या आएगी? 9 1 9 9 6 54, y की वैल्यू क्या आई? 6. तो सॉल्यूशन सेट आपका क्या है? 6 आ गया. अब इसको आपने वेरीफाई करना है, सही है? तो वेरीफाई करने के लिए आपने क्या करना है? इस y की वैल्यू को इस क्वेश्चन में, इसका नाम लेट सपोज 1 दे दो, सही है? इसका नाम 1 दिया तो y की वैल्यू जो है पुट y इक्वल टू 6 इन इक्वेशन 1, सही है? इक्वेशन 1 में हम पुट करेंगे तो ये क्या होगा? अंडर रूट 25 y की जगह पे 6 पुट कर दिया, फिर माइनस 6 इक्वल टू 4 इंटू अंडर रूट y की जगह पे 6 प्लस 3,
ये हो गया। अब ये 25 6 जा कितना होगा 150, ये होगा फिर माइनस 6 इक्वल टू 4 अंडर रूट 9, सही है 6 प्लस 3 9। अब उसके बाद ये माइनस करेंगे तो 144 आ जाएगा इक्वल टू 4 इसका 3 स्क्वायर होगा, सही है 3 स्क्वायर करेंगे तो ये रूट कैंसिल हो के 3 बच जाएगा, सही है। जैसे अगर मैं इसके फैक्टर्स बनाऊं तो 9 2 से नहीं और 3 3 इज 9 3 1 ना 3 तो 3 कितने हो गए 2, सही है। तो इसकी जगह पे क्या लिख सकता हूँ 3 की पावर 2, तो ये रूट रख गया रूट और रूट 2 और रूट कैंसिल हो गया तो 3, सही है। अब इसका क्या होता है 144 का 12 12 144, तो यहाँ पे 12 का स्क्वायर रूट होगा तो ये कैंसिल होगा, सही है। तो कितना आएगा 12 इक्वल टू 43 जा, तो ये वेरीफाई हो गया ये दोनों साइड्स इक्वल है, तो इसी तरीके से लास्ट में वेरीफाई करेंगे।